दोस्तों, मेरा नाम है सुगंध सिद्धांत और आप देख रहे हैं फैक्ट टेक्नो। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन की मदद से एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप उन सारे लोगों में से हैं जो अपने स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और अपने लिए एक बढ़िया वर्डप्रेस की वेबसाइट अपने स्मार्टफोन से ही बनाना चाहते हैं, तो हम आज अपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को अपने स्मार्टफोन की मदद से इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके लिए हम आज अपने इस वीडियो में एक लैंग्वेज इजी इंजन इसकी मदद लेंगे। और ये एक सॉफ्टवेयर स्टैक है जो लिनक्स मशीन पर बस आसान से कमांड के जरिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता है। तो जैसे कि मैंने अभी इजी इंजन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कमांड दिए हुए हैं। बस आपको ये साधारण से कमांड डाल करके आप अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। साथ ही साथ हम अपने इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले सकते हैं। इसके लिए हम वल्टर से अपने लिए एक क्लाउड पर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाने वाले हैं और उसे SSH क्लाइंट के जरिए हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर एक एप्लीकेशन जिसे आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है अपने स्मार्टफोन पर, क्योंकि बिना इसके आप अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने स्मार्टफोन से। तो इस एप्लीकेशन का नाम है JuiceSSH। जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो डेस्कटॉप और कंप्यूटर पर अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर पुट्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर से इस ट्यूटोरियल को करें, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर है पुट्टी, इसे आपको अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम JuiceSSH क्लाइंट को अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने यहाँ पर अपने स्मार्टफोन पर JuiceSSH को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी पहले JuiceSSH क्लाइंट को अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको आप अपने लिए एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहीं से भी ले सकते हैं। हम आज के हमारे इस ट्यूटोरियल के लिए एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वल्टर से लेने वाले हैं और इस पर हम अपने स्मार्टफोन की मदद से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप मेरे दिए गए लिंक के जरिए वल्टर से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेते हैं, तो फ्रेश लॉगिन पर आपको 250 डॉलर फ्री मिलेंगे। और आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम एक लैंग्वेज या स्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं इजी इंजन जिसे ईई भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। हम ईई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम ईई का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज है, आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज है, और इसके लिए आपको किसी भी तरह के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिर्फ आप कोई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर किसी क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी से लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि हम वल्टर से ही ले रहे हैं, तो जो प्राइवेट सर्वर की मंथली कीमत होती है उसी के लिए आपको इसे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इजी इंजन लैंग्वेज, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी खोल के रखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमांड भी दिए हुए हैं सिंपल। आप एक छोटे से कमांड के जरिए भी अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको ये कमांड अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर डालना है और वर्डप्रेस आपके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने वल्टर के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं एक नया सर्वर डिप्लॉय करूँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मैं एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यहाँ से डिप्लॉय करने वाला हूँ। ये एक मेरा ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं इसके लिए कोई बढ़िया या फिर बड़ा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर नहीं लेना वाला हूँ। इसके लिए मैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसकी स्टार्टिंग कीमत $2.50 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं $2.50 है, मैं इसे ही चूज़ करूँगा। यहाँ पर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के कई सारे टाइप के सीपीयू देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं एएमडी हाई परफॉर्मेंस, इंटेल हाई परफॉर्मेंस, इंटेल हाई फ्रीक्वेंसी, इंटेल रेगुलर परफॉर्मेंस। आप इन सब में से किसी भी टाइप के वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के लिए सीपीयू को चूज़ कर सकते हैं। मैं अपने इस ट्यूटोरियल के लिए एएमडी हाई परफॉर्मेंस सीपीयू और स्टोरेज लेने वाला हूँ। जब सर्वर लोकेशन की बात आती है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरह का वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हैं और आप जानते हैं कि आप खासकर हिंदी लैंग्वेज से आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो आपके ज़्यादातर ट्रैफिक जो इंडिया से आने वाले हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जो डाटा सेंटर का जो लोकेशन हो वो इंडिया में हो। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपना डेटा सेंटर इंडिया में रखें, या इंडिया नहीं तो कम से कम इंडिया के नज़दीक, जैसे जैसे सियोल हुआ, सिंगापुर हुआ, आप यहाँ पर भी अपना डेटा सेंटर या सर्वर लोकेशन रख सकते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ बेंगलुरु रखने वाला हूँ। अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर हम Ubuntu 8.04 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और हालांकि ये एक ट्यूटोरियल है इसलिए मैं एक $6 पर मंथ वाला वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लूँगा। बाकी चीज़ों को आप ऐसे ही रहने दीजिए और नीचे डिप्लॉय न्यू सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि हमारा नया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अभी डिप्लॉय होने वाला है। इसे पूरी तरह से डिप्लॉय होने में 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक समय लग सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा
क्लाउड पर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अभी पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुका है। अब आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अपने क्लाउड सर्वर से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब आपको यहां से आईपी एड्रेस, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल्ड जूस SSH को ओपन करना होगा। यहां से आप सबसे ऊपर देख सकते हैं क्विक कनेक्ट, क्विक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा यहां पर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपने जो आईपी एड्रेस कॉपी किया है उसे हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में आप सबसे नीचे आइए और न्यू पर क्लिक कर दीजिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे यूज़र नेम मांगेगा, तो यूज़र नेम के लिए फिर से एक बार आपको वल्टर के डैशबोर्ड में आना है और आप यहां पर देख सकते हैं कि रूट यूज़र नेम रूट दिखा रहा होगा, तो आपको जूस SSH पर यूज़र नेम रूट डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड सेट ऑप्शनल लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करना होगा। पासवर्ड के लिए आप फिर से अपने वल्टर के डैशबोर्ड पर जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं पासवर्ड। बगल में बने हुए आई पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पासवर्ड दिखाई देगा, आपको इस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसे अपने जूस SSH क्लाइंट पर पेस्ट कर दीजिएगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का स्पेस है तो आप उसे हटा दें। अब ओके पर क्लिक कर दें, एक्सेप्ट कीजिए। हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के डैशबोर्ड पर, कंट्रोल पैनल पर सॉरी, लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर लॉगिन होने के बाद दो काम सबसे पहले करना है, हमारे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को अपडेट और अपग्रेड करना है। इसके लिए हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के टर्मिनल पर कमांड डालेंगे, sudo apt update फिर इंटर। हमारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अपडेट हो चुका है। अपडेट के साथ साथ हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को अपग्रेड भी करेंगे। अपग्रेड करने के लिए आप अपने टर्मिनल पर कमांड डालेंगे sudo apt upgrade। देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर अपग्रेड भी हो चुका है। अब बारी आती है कि हम अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर इजी इंजन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको स्क्रिप्ट या कमांड लाइन कॉपी करके अपने टर्मिनल पर डालना होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इजी इंजन के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। हम यहां से ये वाला कमांड कॉपी करेंगे, ये वाला, और इसे कॉपी करके अपने टर्मिनल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के टर्मिनल पर चलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो वर्डप्रेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है वे अब हमारे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर इंस्टॉल हो रहे हैं, और इसे पूरी तरह से इंस्टॉल होने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। हम उसके बाद में अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और वेबसाइट को चलाएंगे। इसके लिए मैं एक अपने खुद का टेस्ट डोमेन जिसका नाम है factTechnoOnline इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप इजी इंजन की सहायता से बड़ी आसानी से SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके लिए आप लेट्स इंस्क्रिप्ट सर्ट बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस पर, तब हम आपको बताएंगे कि आप सिंपल एक कमांड के जरिए किस तरह से SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सफलतापूर्वक इजी इंजन स्क्रिप्ट के मदद से अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस वेबसाइट को चलाने के लिए लगने वाले ज़रूरी स्टैक सभी को डाउनलोड कर लिया है। अब हमको यहाँ पर अपने लिए एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। इसके लिए मैं एक टेस्ट डोमेन factTechno.online का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए एक कमांड जिसे मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका इस्तेमाल करना है। ये कमांड है ee site create factTechno.online WP, और साथ में मैं इसमें SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसके लिए कमांड है SSL जो कि लेट्स इनक्रिप्ट का होने वाला है। सर्टिफिकेट लेने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो
डोमेन नेम है वो अपने इस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के आईपी एड्रेस को पॉइंट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम अपने डोमेन नेम को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के आईपी एड्रेस से पॉइंट कर लेते हैं। इसके लिए मैं डीएनएस मैनेजमेंट के लिए क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं चलिए क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाने के बाद आप अपने डोमेन नेम पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डीएनएस पर आना है। यहाँ पर आपको ए रिकॉर्ड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह किसी दूसरे आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इस आईपी एड्रेस को आपने जो अभी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लिया है उसके साथ पॉइंट करना होगा। आप यहाँ से अपने आईपी एड्रेस को कॉपी करके वहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं। आप प्रॉक्सी स्टेटस को ऑफ कर दीजिएगा। ऑटो के यहाँ 1 मिनट रखिएगा। अब आप अपने जूस SSH क्लाइंट पर वापस आ जाइए। हमने जो यहाँ कमांड डाला है ठीक आपको भी अपने डोमेन नेम के लिए वैसा ही कमांड डालना होगा। अब इंटर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट होना शुरू हो गई है। थोड़ा इंतजार करते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होगी। इसे आपको अच्छी तरह से कहीं लिख करके नोट डाउन करके रख लेना है। अगर आप इसे नोट डाउन करके नहीं भी रखते हैं तो भी आप अपने वर्डप्रेस यूज़र नेम और पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस यूज़र नेम यहाँ दिखा रहा है और वर्डप्रेस पासवर्ड यहाँ दिखा रहा है। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं कि आपके वर्डप्रेस का यूज़र नेम क्या है और वर्डप्रेस का पासवर्ड क्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वापस से अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के टर्मिनल में आना है और वहाँ आ करके आपको यह कमांड डालना होगा, ee site info fedtechno.in।
जैसे ही आप यह कमांड डालते हैं तो यहाँ आपके वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ डॉट ऑनलाइन था। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अगर आप अपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस तरह से वापस से देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट पर SSL एनेबल है। और यहाँ पर आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 महीने बाद फिर से आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा। अगर आप क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो यह ऑटोमेटिक 3 महीनों के बाद में रिन्यूअल हो जाएगी। तो चलिए हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को ब्राउज़र में खोल करके देखते हैं। इसके लिए आप गूगल ब्राउज़र पर अपने वेबसाइट को टाइप करें। देख सकते हैं कि हमने सफलतापूर्वक अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक टेस्ट डोमेन पर इंस्टॉल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल्ड है। अब बारी आती है कि हम अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पर लॉगिन करें। इसके लिए आप अपने डोमेन नेम के आगे wp-admin डालेंगे। देखिए, लॉगिन पेज हमारा खुल चुका है। अब हमें यहाँ से अपने टर्मिनल पर जाकर के वहाँ से पासवर्ड और यूज़र नेम कॉपी करना है। कॉपी फ्रॉम स्क्रीन, यूजर नेम, देन पासवर्ड, कॉपी फ्रॉम स्क्रीन, लॉगिन। आप देख सकते हैं कि हम अपने वेबसाइट जिसे हमने अभी अभी अपने नए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर इंस्टॉल किया है उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। आप इस तरह से बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके कुछ सवाल एवं सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड और दूसरे कमांड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।